नालंदा में जेडीयू कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी गई। मामला परबलपुर थाना क्षेत्र के मऊआ गांव का है, जहां के स्वर्गीय ब्रह्मदेव प्रसाद के 60 साल के बेटे अनिल कुमार की हत्या कर दी गई और परिजनों का आरोप है कि चुनावी रंजिश और भूमि विवाद को लेकर ये हत्या की गई है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। इस घटना को लेकर मृतक की बेटी का क्या कहना है, सुनिए। सुबह गए सब्जी लाने, पोलिंग दिन बोल दिया था रिजल्ट के पहले तुमको देख लेंगे, देखो क्या हो जाएगा। तो रिजल्ट के आते आते रिजल्ट कल है, आज मार दिया। कैसे हत्या हुआ इनका? सुबह सब्जी लाने गए 5 बजे, अब 5 बजे नाम ही नहीं बता रहे। मारपीट किया गया? मारपीट, पोलिंग दिन बोला था 5-6 आदमी नाम जानते हैं, नाम बता रहे हैं भैया। अच्छा, तो इनकी हत्या मैंने पीट के धारदार हथियार से हुआ है? हाँ, हथियार से, भाला लाठी, अच्छा। पूरा माथा फाड़ दिया। जेडीयू नेता भी थे ना ये? पोलिंग एजेंट बने थे? पोलिंग एजेंट बने थे। अच्छा, हाँ। नेता भी थे ना ये? परिजन ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान वो पोलिंग एजेंट बने थे। इसके बाद गांव के ही कुछ लोगों ने उन्हें धमकी दी थी। मामले का पता लगने के तुरंत बाद जेडीयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात की। भाई आप मत बनिए, बनने के बाद भी उनको बूथ पर भी ढकला डकली हुआ था। अच्छा, वहाँ पर भी उनको गाड़ी गलौज किया गया था। फिर हुआ सामने उसमें भी गाड़ी गलौज किया गया कि आज के बाद थोड़ा कल पता लगा दो, रिजल्ट निकले के पहले खत्म कर दो, सब बात हुआ। किस पे हत्या का शक है? गाँव के ही लोग हैं। क्या वो एनडीए महागठबंधन के थे क्या? और क्या, ये लोग नहीं सब कर रहा है, कौन करेगा। तो हत्या कैसे हुआ था? हत्या तो देखने का चीज है, उनको निर्मम हत्या है, हत्या नहीं है। पीट के धार तरीके का हत्या है, कितना पूरे शरीर में जख्म है, भाला का, तलवार का, रासा का, पूरा काटा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर परबलपुर थाना अध्यक्ष पप्पू कुमार ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजा। देखिए, उनका डेथ हुआ है और हम लोग वही अभी देखने आए हैं। इसके बाद गांव भी जाकर इंक्वायरी करेंगे और जो भी होंगे दोषी उनको जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी। सर, फर्स्ट जानकारी क्या आ रही है सर, हत्या के पीछे चुनावी रंजिश की बात सामने आई सर? देखिए, अब तो इंक्वायरी के बाद हम लोग बताएंगे इसको क्या एग्जैक्ट कारण है, इंक्वायरी के बाद बताएंगे। सर, अब तक प्रारंभिक जांच में क्या चला पूरा सर? ये प्रारंभिक तो जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ जाके देख लेंगे उसके बाद बताएंगे। सर, कोई गिरफ्तारी वहाँ पर? SDO SDPO चले गए हैं, कैंप कर रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। कोई गिरफ्तारी हुई सर अभी तक? नहीं, अभी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। सर, पोलिंग एजेंट बताए जाते हैं सर? हाँ, पोलिंग एजेंट थे, बूथ पर थे पोलिंग एजेंट। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। नालंदा से TV9 के लिए रविकांत कुमार की रिपोर्ट।